सरप्राइज अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजे, तो बहुत देर हो चुका है ऑलरेडी। हम लोग जाने वाले हैं आज कोलकाता। कोलकाता जा रहे हैं, क्यों वो आप लोगों को आगे जाके बताएंगे। बहुत ही एक्साइटमेंट व्लॉग आने वाला है, मतलब सामने एक महीने में। हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह और आने में तो रात हो जाएगा, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, गाड़ी में जाते हैं और रीज़न आप लोगों को मालूम चल जाएगा आने वाले दिनों में। तो चलो, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज। तो गाइस, जैसे कि देखा आप लोगों ने, बहुत बारिश हो रहा है कोलकाता में और हम लोग अभी भी साउथ सिटी मॉल नहीं पहुंचे हैं। अभी भी टाइम लगेगा उसमें जाने के लिए, और वहाँ पर ब्लॉग तो पिछली बार करने नहीं दिए थे, तो अभी देखते हैं इस बार क्या होता है। परमिशन वगैरह लेके अगर होगा तो करेंगे। और बहुत बारिश हो गया है क्योंकि रास्ते में पानी भी जम गया, आप लोगों ने शायद वीडियो में देखा है। আর অবশ্যই আমাদের মিডিয়ার বন্ধুদের বলবো থ্যাংক ইউ আমাদের এই ছবিটাকে, ভয় পেও না কে, এতটা ভালো করে সাপোর্ট করার জন্য। আমরা ভয় পেও নার প্রমোশনের জন্য এখানে রয়েছি। ভয় পেও না কি, যেটা বোঝাচ্ছে তার ঠিক উল্টো, ভূতের সিনেমা আমরা বলছি মানে ভয় পেও না, কিন্তু তার মধ্যে ভয়ের এলিমেন্টস রয়েছে। সাউথ সিটি মে আকে ওয়েসে নরমাল ব্লগিং কা পারমিশন নেই মিলা থা, তো आज मतलब सरप्राइज देखकर तो मैंने पूछा, तो बोला हाँ अभी कर सकते हो क्योंकि अभी फंक्शन चल रहा है। इतना खुश हो गया ना, सामना सामनी पूरा अनुपम रॉय को देखा, श्रावंती को देखा। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं साउथ सिटी मॉल का, तो अंदर ब्लॉग नहीं कर पा रहे हैं और आज उतना भी प्लान नहीं है। तो चलो, कितना भी मतलब सामने से अनुपम का गाना सुना और मतलब जो वॉइस है गॉड लेवल है, मतलब माय गॉड लेवल, पूरा तबाही वाला, बहुत अच्छा लगा है। मतलब लाइव कॉन्सर्ट तो देखना है एक बार मेरे को। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं और फोटो का कोई सीन नहीं क्योंकि हम लोगों को निकलना है, अभी बज रहे हैं 6:30 बजे, तो निकल जाना है और उन लोगों का भी प्रोग्राम ख़त्म होते होते 7:30 हो जाएगा, तो मिस कर दिया, वरना हो जाता आई थिंक फोटो, एक साइड में बुला लेते तो हो जाता। Hi guys, I'm Bhavin Manushali and I met this young guy, Shine's blog. So you all should support him. Do subscribe his channel, like and comment and share his channel. He's a very hard working fellow. All the best, guys. All the best. So guys, अभी क्वेस्ट मॉल आए हैं, इमेजिन स्टोर जाना है, तो कुछ तो लेना है, फिर से परचेस करना है, तो आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। थंबनेल में आप लोग आई थिंक देख लिया होगा। गाइस, अभी 9 बजे में रुके हैं डिनर करने के लिए और काफ़ी लेट हो चुका है, तो 9 बज गए हैं और अभी पूरा सो गया था मैं, अभी तो जाना है पूरा घर। और भाई अनबॉक्सिंग है, तो कब होगा, आज और कल, आप लोगों को तो मालूम नहीं है क्या है, पर थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है। मैं डाल भी सकता हूँ, नहीं भी डाल सकता हूँ थंबनेल में, पर वो चीज़ मस्त है। अनबॉक्सिंग करेंगे, ये करेगा स्पेशली, मतलब इसका वॉच मैंने किया था, अब इसका चीज़ ये वॉच मैंने ही किया था, वॉच मैंने ही किया था, फिर भी तुम यही कर।
इसको ही करना पड़ेगा। तो चलो घर में जाते हैं और देखते हैं आज होता है कि नहीं। सो गाइस नेक्स्ट डे है ये और आज बारिश हो रहा है बाहर। कल रात को व्लॉगिंग नहीं किया था, आके बहुत टायर्ड हो गए थे तो व्लॉगिंग नहीं किया। और कल रात को भी मतलब गाड़ी में जो बोला था ना नभरने के बाद मैं पूरा सो गया था, एकदम सीधा घर में आके नींद मेरा खुला, तो इसीलिए व्लॉग नहीं बनाया। कल मेरा दिन बहुत अच्छा गया। पहले तो मैंने सोचा था कि साउथ सिटी के अंदर व्लॉग नहीं करने दिया, और मेन मेरा काम था साउथ सिटी में जाना और क्वेस्ट में जाके वो मेरा भाई का आईपैड प्रो परचेस करना। तो मैंने सोचा कि वही व्लॉग बना लेंगे, क्योंकि साउथ सिटी में परमिशन नहीं मिला था। उन्होंने बोला कि कुछ परमिशन पहले से कराना पड़ेगा कि अगर फुल्ली व्लॉग करना है, और छुप छुप के कर सकते हैं, पर नहीं करना था मेरे को इसीलिए। तो मैंने परमिशन भी कर नहीं पाया कल, क्योंकि परमिशन में उसमें भी प्रोसीड्योर में बहुत टाइम लगने वाला था, मतलब एक घंटा। तो नेक्स्ट टाइम मैं करा के जाऊँगा या वहाँ पर जाके कर लूँगा, पर इस टाइम के लिए सॉरी गाइज। और कल बहुत सारा चीज़ हुआ मतलब साउथ सिटी में, वो दिखा नहीं पाया। और आईपैड का जो अनबॉक्सिंग है वहाँ पर कर नहीं पाया, क्योंकि मैं जब वो भाई परचेस कर रहा था मैं एक क्वेस्ट में दूसरा काम करने गया था, तो उसके चक्कर में इसका शूट नहीं कर पाया। तो अभी घर में अनबॉक्सिंग करेंगे, जैसे पिछले वाले ब्लॉग्स मैंने किया है अनबॉक्सिंग घर के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें बताएंगे आप लोगों को। तो ब्लॉग अभी भी थोड़ा बहुत होगा, 5-10 मिनट। सो गाइज हियर इट इज़ द बॉक्स, और आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा क्योंकि अभी भाई नहीं है घर में। तो भाई नहीं है तो बेयर विथ इट, क्योंकि ऐसे ही देखने वाले हैं, तो सिर्फ यहीं का शॉट मिलेगा। तो पहले निकालते हैं ऑल न्यू आईपैड प्रो, यहाँ पर लिखा भी है, और 1 TB का है ये, स्पेस ग्रे कलर में, और एप्पल पेंसिल। तो चलो बॉक्स को रखते हैं साइड में, पहले आईपैड को ही अनबॉक्स करते हैं। तो भाई ये बहुत टाइट पैकेजिंग है, तो खुल गया है। सो क्लोज व्यू दिखाने में मेरे को प्रॉब्लम होगा, सिनेमैटिक्स में बाद में लूँगा, अभी इसको साइड में रखते हैं। सो गाइस दिस इज द ऑल न्यू आईपैड प्रो, लुक मतलब क्या बड़ा स्क्रीन है, आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट द स्क्रीन इज़ ह्यूज, बट द स्क्रीन इज़ ह्यूज लेवल मैन। देखोगे मतलब पहले ही ओपन किया था मैंने, मतलब भाई ने किया था वो स्टोर में, तो देखो प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, बट स्क्रीन का साइज़ देखो गाइस, जस्ट सी द स्क्रीन साइज, सो इट्स अ डैम ह्यूज बिग। बट अभी आईपैड को यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कवर नहीं आया है, तो यहीं पर रखना है। तो यहाँ पर डिज़ाइन एप्पल इन कैलिफोर्निया बाय एप्पल, और कुछ मैनुअल्स हैं, वो इसमें 2 स्टिकर भी मिला है, ये मैंने नहीं देखा था, और छोटा सा एक मैनुअल, कोई नहीं पड़ता है इसको। और एक चेंज आया है इसमें, जो चेंज है कि यहाँ का साइड में रखते हैं इसको, इसका जो है वो टाइप सी है, मतलब पहले था टाइप सी टू लाइटनिंग, पर आप लोग देख सकते हो ये देखो ये लाइटनिंग नहीं है, ये जो होल है इसका लाइटनिंग नहीं है, ये है टाइप सी टू टाइप सी। तो अभी भाई को 2 चार्जर्स कैरी करना पड़ेगा, तो रखते हैं इसको सब साइड में, इसको अंदर रखते हैं, उसके बाद मिलते हैं, वेट सबको असेंबल कर लेते हैं, और एप्पल पेंसिल को निकालते हैं। इसको तो मैंने कल ही देखा था, बहुत यूज़फुल है गाइस, ये नोट्स बनाने में बहुत यूज़ी होगा। सो दिस इज़ द एप्पल पेंसिल, सो इसका भी मैग्नेट भी है, देखोगे ऐसा स्टिक भी हो जाता है, ये एप्पल पेंसिल चार्ज होता है बाय द टैब, और खुलने के बाद हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। इट्स वर्किंग आई विल शो इट टू सी, इट्स लाइक ओपनिंग, ओके देखो चल रहा है, ये देखो सब कुछ मैं इरेज करता हूँ। क्या है साइंस व्लॉग भाई, मेरे को इसमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, भाई का अच्छा हो रहा था कल रात को, विथ 640+ सब्सक्राइबर्स बहुत बुरा हैंडराइटिंग है, पर इतना भी बुरा मेरा असली लाइफ में नहीं है गाइस, ऐसे देख के मत सोचना। तो अभी बंद करते हैं, इंफॉर्मेशन में पढ़ देते हैं।
सो iPad Pro 12.9 इंच फिफ्थ जनरेशन वाईफाई है, सेलुलर नहीं वाईफाई है सिर्फ, और यहाँ पर स्पेस ग्रे कलर में है। इसका जो कैपेसिटी है 1 TB है और पावर अडैप्टर मिला है इसके साथ, और कुछ भी तो नहीं दिख रहा है मेरे को, अभी कुछ भी नहीं है। और डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया और कुछ भी नहीं है। हाँ, और हाँ यहाँ पर लिखा भी है USB-C चार्जर केबल, USB-C to C, तो मैंने बोला ही था वो चेंज हुआ है अभी, और 12.9 है। हाँ तो ओके, बस इतना ही रखते हैं। अगर ये आज का स्वीट एंड सिंपल ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 700 सब्सक्राइबर्स के लिए आई थिंक, और 50 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, फटाफट कंप्लीट कर दो, और उसके बाद 300 मोर फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। एंड 1K में बहुत कुछ होने वाले हैं 1K होने के बाद, तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब बटन्स क्लिक करो, वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलो शेयर करने के लिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक तो ऑब्वियसली करना ही है। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।